ये तो बॉयल हो गई है, तो एक ही बड़ी ले आई है मारिया। मैंने कहा था दो लेती, वो छोटी होती है ना, जल्दी गल जाती है। हम इसको शक्करकंदी बोलते हैं। तो ये जो है ना, अभी ये सिंगारे हैं ना, जो ये देर से ये गलते हैं, ये वाले, ये बन गया, गल गई है, तो ये देर लगेगी जी। तो यहाँ से मुझे एक लीमू तोड़ना है, तो जी तो ये शक्करखंडी तैयार है, मैं छील कर काटती है। अब ये खट्टा मसाला है, तो जिस बहन भाई ने खानी हो तो वो आकर खा सकता है। तो ये लीमू भी इसमें डालना है, तो फिर बहुत मज़े की बनती है। अब ना इंतज़ार करना पड़ता है कि वो अपना रोटी बना लेंगे तो हम बनाएंगे। तो उस वक़्त तो सस्ता वेला था, 5-7 हज़ार, 8 हज़ार में भी लग जाता। अब तो 20-20 हज़ार लगता है गैस लगवाने में भी। तो जो अपने घर की सहूलत होती है ना, जब दिल करे चीज़ बंदा इंसान बना लेता है। इस तरह से उनका इंतज़ार करना पड़ता है कि वो बना लेंगे, अपना चूल्हा बंद करेंगे, तो इस तरफ हम भी बनाएंगे। तो जी ये हैं सिंगारे, तो ये उबाल लिए हमने, पक गए हैं, तो मारे को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो जिस बहन भाई ने खाने हो वो भी आप कर ना खा सकता है। ये हमारा डॉग है, नहीं हमारा नहीं, हमारे गली का है। उस वर्कशॉप जो है ना, जहाँ ये दरख्त नज़र आ रहा है बेरी, तो वहाँ का है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, कोई परेशानी आपके पास ना आए। तो आपके औलाद को, आपके वालदान को सबको सलामत रखें, सबको अल्लाह पाक खुशियाँ दे। तो यही मेरी दुआ है, आप सदा सलामत रहें, तो आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हमारे बहन भाई? हाँ तुम सुनाओ। कैसे सिंगारों को देख रही थी मैं, आपकी वीडियो बना रही थी ना, तो आप सिंगारों को देख रही थी। तो मारे ने भी थोड़े से खाए हैं, फिर कहती है मेरे पेट भर गया है। उसने खाना भी नहीं खाया, इतने शौक था उसको लेने का ना। ठीक, हाँ तो आप सुनाएं। मैंने भी नाश्ता किया हुआ था तो एक दो खाए हैं मैंने भी। तो मैंने तो भी नाश्ता भी कर लिया था, फिर शक्करकंडी भी खा लिया, सिंगारे भी कुछ चख लिए, खा लिए हैं। एक दो टुकड़े मैंने भी शक्करकंदी के खाए थे। हाँ शक्करकंदी कहते हैं मेरे ख्याल में उर्दू में। उर्दू में जो भी कहते हैं, हम तो बस शक्करखंडी कहते हाँ हैं। ये तो है। हाँ जी, तो हाँ आज आपने वीडियो अपने चैनल की डाली है। अभी जा रही है, वही देख रही थी मैं। अच्छा, तो अब आपने अपना नाम भी चेंज किया है, अपना नाम भी बता दें। अभी तो नहीं किया, नाम चेंज नहीं किया? नहीं कल करूंगी। अभी ठीक तो है वही है, ठीक है। अभी तो रहमत फैमिली है ना। नहीं आदिया, तुम ठीक हो? अच्छा, ठीक क्या खा रही हो दिखाओ। है,
इधर दिखाओ, डब्बा नीचे करो, डब्बा नीचे करो। ठीक है, तुमने खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है? अच्छा, आज तुम्हारा जूता फिर नहीं है, किधर गया है तुम्हारा जूता? यासिर किधर है? क्या कर रहा है यासिर? अब्दुल्ला पढ़ने गया है? तुम ठीक हो? अच्छा, तुम चूड़ी हो? हाँ, चूड़ी तो हो। यासिर तुम भी आ गए हो? मारिया यासिर को दूसरे हाथ में भी दो शक्करखंडी। खाओ शक्करखंडी, अच्छी है। हाँ, दूसरी भी लेनी है ना, मेरी तरफ देखो। हाँ, हाथ धोए थे? आज तुम्हारा जूता किधर गया है? जूती क्या लपी? ठीक है, तुम ठीक हो? तुमने नाश्ता कर लिया है? तो हमने आज शक्करखंडी बनाई है, अच्छी है ना? हाँ, तुमने भी खाई है ना? ठीक है। हाँ यासिर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे बच्चे हो ना? ठीक है। तो मेरे बहन भाई कैसे हैं? ठीक हैं। आपको अल्लाह खुश रखे, बाद रखे, आपको कोई गम कोई परेशानी आपके पास ना आए, आप सदा सुखी रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, मेरा भी साथ देना है, मेरी भी सपोर्ट करनी है। तो अल्लाह आपको हर ज़माने की खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आप कोई मुश्किल ना दे, अल्लाह सबको अपनी अपनी मंजिल दे, अल्लाह किसी को बेआस ना रखे। तो मेरी बेटी कहती है तुम बहुत लंबी दुआ देती हो, मैं कहती हूँ कि नहीं, बहुत मुश्किलें हैं। हमारा पाकिस्तान जो है एक आधे से ज़्यादा डूब गया है, खंडर जैसे इतने अमीर लोगों के महल जो थे, यानी कि होटल जो थे, वो भी बंजर हो गए हैं, खंडर हो गए हैं, खंडर जैसे हो गए हैं। तो फिर क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में? तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सबकी मुश्किल आसान हो, एक जगह बैठकर और सुकून से दुआ करती हूँ, इसलिए तो दिल से करती हूँ। वो अल्लाह तो बेहतर जानता है ना, जो झूठ बोला जाए तो अल्लाह के हजूर पेश होना है, तो अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए, तो कभी वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता। आगे मंजिल कब्र की हर वक्त सामने हो तो फिर इंसान कभी नहीं झूठ बोल सकता, क्योंकि हम इस दुनिया में एक ख्वाब की तरह, जब हमारी ज़िंदगी है दो घड़ी की ज़िंदगी है, तो इसमें इतना अपने आगे जाने के लिए अजाब इकट्ठा कर ले, अमाल इकट्ठे करने की बजाय, तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ इस दुनिया में आने का। फिर तो हम सिर्फ झूठ के लिए आए हैं इस दुनिया में, बस अपने हिरस के लिए आए हैं, झूठ बोल के हमने अपना सब कुछ करना है, अपनी बस मंजिल तलाश करनी है, किसी का ख्याल नहीं करना। तो ये तो बात गलत हुई, जैसे जानवर जो होते हैं वो बस अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों चीज़ों को जो छोटी मोटी होती हैं उन्हें चीर फाड़ के वो खा जाते हैं, जंगल के शेर होते हैं जो बड़े चीज़ें जो होती हैं ऐसी छोटों को खा जाती हैं। तो इस तरह से तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। तो बस मेरी आवाम, यानी कि हमारी आवाम, हमारा पाकिस्तान सब मुश्किल में, जो जिनका सब कुछ जमा कुंजी चली गई है, आप उनके घरों में जाकर देखें अब भी तो वो क्या खुश होंगे, कैसे होंगे? सर्दियां आ रही हैं, कुछ भी नहीं रहा जिनका, तो कैसे होंगे वो? तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्द मंजिल दे, उनके घर बन जाएं, अल्लाह पाक उनको हर मुश्किलों से बचाए, तो उनके सदक़े में हमारी मुश्किलें भी दूर फरमाए। और बाकी जो सैलाब दुकान से बाकी जो मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। हर किसी की ज़िंदगी में गम खुशियाँ होती हैं, तो आजकल के वक्त में कहाँ किसी के पास सुकून है, बहुत मुश्किल तो वक्त चल रहा है ना, तो इस वक्त में किसी को कहाँ सुकून हो सकता है? बस हर कोई झूठ बोलने को लगा हुआ है, अल्लाह बचाए ऐसे झूठों से, ऐसे मुश्किलों से। तो अपनी कब्र का अजाब नहीं इकट्ठा करना चाहिए, अपनी कब्र के लिए ना आगे के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, अमाल को इतने हों कि हम आगे जाएँ ना,
तो अल्लाह पाक से ज़्यादा शर्मिंदा ना हो, तो बस मेरी यही दुआ है। तो बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो अपने बहन भाइयों से बस मेरी यही गुजारिश है कि आपको सदा सलामत रखे अल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। तो अल्लाह पाक आपको कोई गम कोई परेशानियाँ कभी भी ना दे, आपको हमेशा सदा सलामत रखे अल्लाह, अपना और अपनी फैमिली का रखना है ख्याल। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, तमाम मेरे बहन भाइयों को। तो मेरे प्यारे बहन भाई, आपको अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।